एसपी गणेश प्रसाद साहा ने शहर के संकटा देवी चौराहे के 50 मीटर परिधि तक के क्षेत्र को नो वेडिंग, नो पार्किंग व नो स्टॉपिंग जोन किया घोषित। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर शहर के सभी मुख्य सड़कें होंगे सीसीटीवी कैमरों से लैस। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने जनपद की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराने के उद्देश्य से कदम उठाया है। सदर कोतवाली के संकटा देवी चौकी को मॉडर्न पुलिस चौकी के अंतर्गत पिंक बूथ बनाने का भी कार्य किया जाएगा। एसपी खीरी, आपके आते ही तो व्यवस्था सब बिल्कुल आपने सही की, किस तरीके से देखिए जनपद लखनपुर किले में ट्रैफिक को लेकर लगातार सुधार के काम हो रहे हैं और आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से और जितने स्टेक होल्डर हैं उनके माध्यम से हम फीडबैक भी ले रहे हैं और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए के ही क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि जो संकटा देवी का चौराहा और जिसे चिराहा कहते हैं, ये बहुत ही कंजेस्टेड पॉइंट था, कंजेस्टेड जंक्शन था, इस पर कुछ हम लोगों ने डायवर्जन किया था। आज हम लोगों ने एक सर्वे करवाने जा रहे हैं जिसमें इस जगह को नो स्टॉपिंग जोन और नो पार्किंग जोन बनाने जा रहे हैं। एक समस्या आती थी कि जो ई रिक्शा और अन्य वाहन होते हैं वो यहाँ खड़े होकर सवारियाँ ढोते हैं, जिसके कारण अन्य जो सड़कें हैं उसमें कंजेस्टन की स्थिति होती है। इसको भी ध्यान में रखते हुए इसको नो स्टॉपिंग जोन, नो पार्किंग जोन बनाया जा रहा है ताकि राहगीरों को, वाहन चालकों को कुछ दिक्कत ना हो। दूसरी बात यह है कि ये चौराहा पुलिसिंग के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और पहले भी कुछ घटना हुई थी होगी जिसमें सीसीटीवी कैमरे की बहुत मदद हुई है, उसकी भी ऑडिट की गई है और हमने यहाँ के थाना प्रभारी सीओ सावंत के नेतृत्व में जो टीम बनाया है तो ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी सड़कें हैं वो सीसीटीवी कैमरे से लैस हो और उसकी जो कैमरे की पोजिशन हो वो साइंटिफिक हो। दूसरी बात ये कि संकटा देवी जो चौकी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण चौकी है और आप लोग के माध्यम से एक फीडबैक मिला था कि यहाँ एक महिला कंपोनेंट भी होना चाहिए महिला कर्मियों का, तो जल्द ही नवरात्र के इस अवसर पर हम महिला सहायता केंद्र बनाना चाह रहे हैं, 2 या 4 दिन में इसका भी